दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों आलिया ने जो प्लान रचा था उसमें पूरी तरीका से कामयाबी रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इधर रणबीर और रिया की शादी करने के लिए उसने जो प्लान रचा था काफी समय पहले, उसमें कामयाब हो चुकी है। लेकिन आखिरकार रणबीर ने पूछा है कि रिया मुझे ना जाने क्यों आलिया बुआ जी की आवाज़ सी लग रही थी, जिसके बाद में रिया बोलेगी कि ये तुम्हारा बहम है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इधर प्राची इस समय अपने फैसले पर पहुंच चुकी है, क्योंकि प्राची ने पूर्ण रूप से फैसला ले लिया है। हालांकि दोस्तों इस फैसले में एक बार फिर से इधर बोला है सहाना ने कि प्राची एक बार और सोच लो कि रणबीर को तुम गलत ठहरा रही हो, रणबीर इतना भी गलत नहीं है जितना तुम उसे गलत मान रही हो। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि कहानी वाकई में एक बार फिर से नई कहानी में नए ट्विस्ट में पहुँच चुकी है, जहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोग बेहद ज़्यादा चिंताजनक नजर आ रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर प्राची एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो चुकी है, क्योंकि सहाना ने जो बताया है प्राची से कि प्राची जितना तुम प्यार करती हो वाकई में इतना ही प्यार रणबीर भी करते हैं अपनी बेटी से। अब तुम्हारा सोचना किस तरीका का है इसमें मैं किसी भी तरीका की कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगी। और वाकई में दोस्तों सहाना के कहने के बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं सोचती हुई नज़र आ रही है प्राची, क्योंकि प्राची को बता ही दिया है आखिरकार सहाना ने कि अगर तुम उसकी माँ हो तो वो भी उसका बाप है और उसका भी इतना ही अधिकार है उस बच्चे के ऊपर। अब तुम्हारे हाथ में है कि आखिरकार तुम इस चीज़ को कहाँ तक अपने बस में लाती हो। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी एक नया रंग और लेती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों जहाँ प्राची की शादी अक्षय के साथ नहीं हो पाएगी और रिया की शादी रणवीर के साथ नहीं हो पाएगी। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके जरूर बताएं गाइज। थैंक यू सो मच गाइज।